रात को कुछ मत खाओ, रात को मत खाओ, दूसरे दिन पूरा निर्जला पानी तक भी मत पियो, और दूसरे दिन एक बार खाना, टाइम से अपना व्रत खोलो। ये करने से पूरा एकादशी प्योर एकादशी होता, एकदम शुद्ध एकादशी है। इसलिए प्रभुपाद ने देखा कि कलयुग का जीव इतना करेगा तो नहीं कर पाएगा, फिर दिन भर सोता रहेगा, क्योंकि कलयुग में जो प्राण है ना, अन्नगत प्राण है। अगर अन्न डालोगे अंदर में, पेट्रोल डालोगे फिर गाड़ी चलेगी, अगर डीजल पेट्रोल नहीं डालो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए देखा कलयुग का जीव ये असमर्थ है, इसलिए उन्होंने कुछ अनुकल्प का व्यवस्था किया, कुछ फल मूल लो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भजन करो, भक्ति करो। इसलिए प्रभुपाद कुछ ये नियम दिया, लेकिन पहले तो लोग पूरा स्ट्रिक्ट, अभी भी वृंदावन में कोई कोई संप्रदाय में हाँ, जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय में अभी भी वो लोग एकादशी का दिन पूरा निर्जला कुछ नहीं, इसलिए पूरा निर्जला करते हैं। हमारे मंदिर में भी कोई साधु है जो कि एकादशी का दिन, जैसे विष्णुदेव महाराज, दंडी महाराज, पूरा एकादशी का निर्जला करते हैं, इसलिए पूरा अभी भी वो करते हैं। इसलिए अभी उनके घर में दामाद आया, राजा घर शादी हुई बेटी की, घर में दामाद आया एकादशी का दिन, लेकिन एकादशी का दिन